चीन तनाव के बीच बॉर्डर पर भारतीय सेना का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जी हां, भारतीय सीमा पर भारतीय सैनिकों द्वारा हवाई रैकी के अलावा सेना का मूवमेंट भी देखा जा रहा है। लद्दाख की घटना के बाद बीजिंग को चोट पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने उठाया बड़ा कदम। दूरसंचार विभाग द्वारा जल्द ही BSNL और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा 4G टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए जारी टेंडर रद्द किए जाएंगे और चीनी कंपनियों को इससे बाहर करने के लिए नियमों में बदलाव किया जाएगा। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब तक 9 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं, जिसके बाद पुलिस ने उनकी करीबी दोस्त रिया चक्रवर्ती को बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाकर उनसे भी पूछताछ की है। लॉकडाउन के दौरान अपने गांव लौट चुके प्रवासी मजदूरों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। इन मजदूरों को अब रोजगार के लिए शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन प्रवासी मजदूरों के लिए एक योजना तैयार की है। इस योजना के पहले चरण में 6 राज्यों के 25,000 मजदूरों को रोजगार मिलेगा। तेलंगाना के सूर्यापेट में सुल्ला बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू का अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब है कि भारत चीन झड़प में कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए थे। भारत सरकार ने चीनी संचार उपकरणों पर रोक लगाने का फैसला किया है। सभी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को चीनी उपकरण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी कंपनियों से कहा गया है कि वे नए सिरे से शर्तें बदल कर टेंडर जारी करें ताकि चीनी कंपनियां हिस्सा ही न ले पाएं। भारतीय चीन सीमा पर हुए विवाद के बाद भारतीयों का गुस्सा फूट पड़ा है। अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए मध्य प्रदेश में भी लोग जगह जगह चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर चीनी वस्तुओं की होली चला रहे हैं। 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर MP की तीनों राज्यसभा सीटों को लेकर कांग्रेस और BJP की तस्वीरें साफ हो गई हैं। दोनों पार्टियों ने विधायकों की गिनती के साथ ही निर्दलीय और अन्य दलों के विधायकों को भी अपने खेमे में दिखाने की पूरी कोशिश की है, जिसमें भाजपा काफी हद तक सफल रही। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। बुधवार को उन्हें देखने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी अस्पताल पहुंची थी। इससे पहले UP CM योगी आदित्यनाथ और MP CM शिवराज सिंह चौहान भी उन्हें देखने पहुंचे थे। कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट इंदौर में अब इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इंदौर नगर निगम द्वारा अब हरे नीले लिटरबिन के साथ ही कोरोना वायरस से संबंधित वेस्ट के लिए पीले रंग के लिटरबिन भी लगाए जा रहे हैं और इसकी शुरुआत MYH और दवा बाजार क्षेत्र से शुरू हो चुकी है।